हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बनाएंगे हैबिकस जेल, जो कि आप आगे देखना, बहुत ही अच्छा सा जेल बनकर रेडी होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है हमारी स्किन के लिए। आप इसे किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर ये है हमारा हैबिकस ट्री, और मैं इनके फूलों को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी एक रेमेडी शो की थी, वो बहुत इफेक्टिव है। आप ये भी इसका मैं आज जेल बना के दिखाऊंगी कैसे बना। मैंने पहले इसके, मेरे घर इसका पौधा है, उसमें बहुत फूल आते हैं, हमें तोड़ लेंगे अच्छे से सब। जैसे कि मैंने यहाँ सारे के सारे फूल तोड़ लिए हैं अच्छे से। आज मुझे, मैं वीक में वन टाइम हेयर मास्क ज़रूर लगाती हूँ। आज मुझे हेयर मास्क लगाना था, इसलिए मैं इन फूलों को मैंने इकट्ठा कर लिया है तोड़ कर। तो फिर अब मैं इन्हें वॉश करके करूँगी ग्राइंडर में मिक्स अच्छी तरीके से। बस आप चाहें तो इसमें एलोवेरा जेल भी मिक्स कर लें, और आप इसे पीसने के बाद अच्छी तरीके से फेस मास्क भी बना सकते हैं, जो कि बहुत बेनिफिशियल होता है। तो चलो फिर अब इसे हम करते हैं मिक्स। तो अब हम इन्हें करेंगे मिक्स अच्छी तरीके से, मिक्सिंग जार में डाल के बनाएंगे एक पेस्ट। और वीक में वन टाइम आप भी कैसे भी एक हेयर मास्क बना के अपने हेयर्स में लगाया लगाया कीजिए। बारिश वाले मौसम में और मानसून में बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल होता है, और हेयर्स को हमें अच्छी तरीके से केयर करने के लिए कोई भी वीक में एक हेयर मास्क अप्लाई करना चाहिए। जार को अच्छी तरीके से वॉश करके, बिल्कुल अच्छे से वॉश करके हम इसमें हैबिकस फ्लावर्स डाल देंगे। आप चाहे तो रोज़ वाटर या एलोवेरा लीव भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड करने के बाद ये इतना अच्छा पेस्ट बन जाता है, बिल्कुल एकदम एकदम सॉफ्ट सा, बहुत अच्छा। और आप इसे फेस पर मसाज कीजिए, आप हेयर्स में अप्लाई कीजिए, स्पेशली ये हेयर्स पर सबसे अच्छा वर्क करता है। आप एक बार इसको यूज़ कीजिए, एकदम सिल्की से हेयर्स हो जाते हैं आफ्टर वॉश, बहुत ही अच्छा है।